बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस के अंदर जमानत की दरखास्त के ऊपर समाअत है और हम उम्मीद करते हैं कि डिले टैक्टिक्स नहीं की जाएगी और मेरिट के ऊपर कल फैसला दिया जाना चाहिए। इंसाफ के ही तकाजे कहते हैं कि जमानत का जो मामला है वो अर्जेंट नौईयत को होता है, इसे नहीं लटकाना चाहिए और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। नंबर टू, कल इसी तरह से जेल के अंदर, जो आपको पता है कि साइफर केस का ट्रायल चल रहा है, तो जेल के अंदर भी कल समाअत फिक्स है, लीगल टीम वहां भी जाएगी। आप ये देख लें कि एक तरफ ट्रायल को किस तरह स्पीड से चलाया जा रहा है, जमानत की दरखास्त के ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ, हमने इसको, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसको जो है खारिज करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दी हुई है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हो रहा और ट्रायल को स्पीड लगाई जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए, सजा दी जाए। ये है मेरिट। हमने ये कहा हुआ है कि ये जो ट्रायल किया जा रहा है सीक्रेट, इसे सीक्रेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये मुकदमा ही नहीं बनता, ये मुकदमा ही गलत है, इसे ओपन किया जाए, पब्लिक हो, साफी हो, लॉयर्स की एक्सेस हो, तभी साफ और शफाफ जो है प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ऐसे फैसले को कौन मानेगा जो जेल के अंदर गुप्त कमरे के अंदर ये सारी प्रोसीडिंग्स करके और फैसला दे दिया जाए कि ये लें जी आपको सजा वाला जो है लेटर दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कौम कभी भी ये नहीं मानेंगे, हम कभी भी नहीं ये मानते, न मानेंगे। नंबर टू, जेल के अंदर समाअत हो ही नहीं सकती, कैसे जो है वो उसको जो है अदालत को शिफ्ट किया गया है वहां पर कि जेल के अंदर समाअत की जाए, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही है। इस बात को, इस नोटिफिकेशन को हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं आया, फैसला महफूज किया गया है लेकिन सुनाया नहीं जा रहा और साथ प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर और ऐड कर दूं कि तीसरी चीज क्या है। तीसरी ये है कि नैब अल कादर ट्रस्ट केस, नैब तोशाखाना केस, ये दोनों जो हैं, ये इनमें इमरान खान साहब की जमानतें ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी इस बुनियाद के ऊपर कि खान साहब पेश नहीं हुए। अब अदालत का काम था कि उन्हें प्रोड्यूस किया जाता और सरकार जो है सिक्योरिटी के इंतजाम करती और उन्हें लाया जाता, मेरिट्स के ऊपर बेल्स जो है वो डिसाइड होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप ये भी देख लें कि 9 बेल जो खान साहब की खारिज हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे तौर पर कह दिया कि वो बेल्स गलत खारिज हुई थी और दोबारा बहाल करते हैं और सुनी जाए और मेरिट के ऊपर डिसीजन दिया जाए। अब प्रोड्यूस करना भी वो सवाल है कि प्रोड्यूस करना किसका काम है, हमारा काम है, उनका काम है जिनकी कस्टडी में, और अदालत हुक्म दे कि प्रोड्यूस किया जाए और अदालत अपना हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दो लगी हुई हैं, जो दो बेल्स खारिज हुई थी उनमें रिवीजन्स फाइल की गई थी और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये भी बहाल होंगी क्योंकि सेम नौईयत के ऊपर, ये सेम ग्राउंड के ऊपर वो दो 9 जो खारिज की गई थी उन्हीं ग्राउंड के ऊपर ये भी बहाल होंगी। तो आखिर में ये कहना चाहूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्तें हों या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हों, हम ये इस्तदा करें कि जितनी हमारी दरखास्तें हैं मेहरबानी फरमा के उनके ऊपर फौरन फैसला दिया जाए ताकि जो भी फैसला आना है फैसला तो आए। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे किए जा सकते हैं, फेयर ट्रायल कैसे आप जो है आईन का आर्टिकल 10 है उसको गायब कर सकते हैं, तो फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, ये हक है, हर शहरी का हक है और दिया जाना चाहिए और जितनी दरखास्तें हमारी पेंडिंग हैं उनके ऊपर फैसला दिया जाए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। थैंक यू।